जी जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक। एक भाई साहब ने मैसेज किया है, सवाल पूछा है कि लाइफ में या किसी भी काम में, आई डोंट नो कि आपने कौन सा काम बताया है, लेकिन लाइफ में कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, मुस्तकिल मिजाजी कैसे लाएं? तो मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल ये है कि जब आप किसी लड़कियों को मैसेज करते हैं या उनके साथ आप बात करते हैं, तो आप सोचिए उस उनमें आप कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, क्यों? और जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको दर्द मिलता है, पेन मिलता है, जिससे आपका मुस्तकबिल, फ्यूचर जो है वो संवरता है और फ्यूचर आपका बनता है, उसमें फिर हमारी जो है वो, हम कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, वो हम छोड़ देते हैं, क्यों? द रीज़न इज़ कि पहले काम में, यानी लड़कियों को जब हम मैसेज करते हैं, उनसे जब हम बात करते हैं, तो उसमें चस्के हैं, उसमें मज़े हैं, और ऐसा काम जिसे हमारा मुस्तकबिल संवरता है और मुस्तकबिल जो है हमारा बनता है, उसमें दर्द है, उसमें पेन है, वो हमें टफ टाइम उससे मिलता है। सो द थिंग इज, किसी भी काम करने के लिए, अगर आई डोंट नो कि आपने किस काम में आपको परसिस्टेंस लाना है, किस काम में आपने कंसिस्टेंसी लानी है, लेकिन किसी भी काम में अगर आपने, अगर वो स्टडीज़ है, अगर वो अपने आप पे काम करना है, खुद को डिवेलप करना है, तो उसके लिए आपको द मोटिवेशन शुड बी फ्रॉम इनसाइड आउट, इट शुड बी फ्रॉम आउटसाइड इन। कोई भी बाहर से आपके आके आपको नहीं बताएगा, आपको मोटिवेट नहीं करेगा कि भाई साहब ये काम करो। इसलिए द फर्स्ट स्टेप दैट आई वांट टू गिव यू इज कि आप उस काम के लिए, आपके दिल में जगह होना चाहिए, वो काम आपके बहुत ज़्यादा करीब होना चाहिए, तभी वो उस काम को करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट्स मिलने चाहिए, कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आने चाहिए, तभी जो है वो उस काम को आप परसिस्टेंटली कर पाएंगे। एक और चीज़ परसिस्टेंसी के लिए कि हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होते हैं। हम इंसान ये सोचते हैं कि मैंने ये काम शुरू किया है तो मुझे उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू होने चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, लेकिन याद रखें कि रिज़ल्ट जो है इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक आज जो है आप सिगरेट सुलगाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट पीने से इमीडिएटली अगर आप जो है वो खून की उल्टियाँ करेंगे, तो आई होप इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिलेगा, तो आई होप या इमीडिएटली आपको मुंह का जो है वो कैंसर हो जाए, तो आप कभी भी जो है वो सिगरेट नहीं पियेंगे। सो द थिंग इज़ कि वो धीरे धीरे जो है हमें अंदर से जो है वो खोखला करते हैं। सो किसी भी काम को करने के बाद इमीडिएट रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू लाइक स्टे ट्यून्ड के कुछ देर के बाद जो है, कुछ वक्त के करने के बाद जो है उसके रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू होंगे। एंड द थर्ड थिंग इज बी माइक्रो एम्बिशियस। हम क्या करते हैं कि हम बड़े बड़े कामों को पकड़ते हैं और छोटे छोटे काम करना हम भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें हमारे माइंड में ही नहीं रहती। आपसे मेरा ये सवाल है, क्या आपको कभी हाथी ने काटा है? नहीं, डेफिनेटली मुझे भी नहीं काटा। आपको काटा? आपको भी नहीं काटा। क्या आपको किसी मच्छर ने काटा है? मुझे भी काटा है, आपको भी काटा है। अब इसमें नेचर हमें ये क्लू देता है कि स्मॉल थिंग्स मैटर, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे काम जो है वो मैटर करते हैं। द थिंग इज कि हमें पहले ही दिन जो है यहाँ पे पहुँचना है, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, अपने छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, और छोटे छोटे गोल्स मिलकर ही वो आपके बड़े गोल को अचीव कर सकेंगे। आप बड़े गोल को अचीव तभी कर सकेंगे जब आप माइक्रो एम्बिशियस होंगे, जब हर काम जो है वो सलीके के साथ, तरीके के साथ करना शुरू करेंगे, उस काम को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हम ये होता है कि हम पहले ही दिन से बहुत बड़ा गोल जो है वो सेट कर लेते हैं, और जब हम उस गोल को देखते हैं तो ज़ाहिर है वो हम अचीव नहीं कर सकते, तो हम हार मान जाते हैं, और हार मान जाने के बाद जो है वो काम हमसे छूट जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपने गोल बड़ा रखना है, लेकिन उसके बाद एक्शनेबल जो है आपने स्टेप्स लेने हैं, कि छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर ही जो है वो आपकी, वो आप बड़े गोल तक जो है आप पहुँच सकते हैं। वंस सेड, इस तरह कहा जाता है कि अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। आप छत पे कैसे पहुंचते हैं? आप सीढ़ियाँ लगाकर पहुंचते हैं, ऐसे नहीं है कि आप जंप लगा के जो है आप छत पे पहुंच जाते हैं। इट्स नॉट गोना हैपन। ये नेचर का, नेचर के जो है रूल्स रेगुलेशन ऐसे नहीं है, नेचर ऐसे ऑपरेट नहीं करता, राइट? और चौथा यह है कि यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ। जब आप कोई छोटा सा गोल अचीव कर लें, उसके बाद अपने आप को शाबाशी दें, थैंक योर सेल्फ,
अपने आप को शाबाशी दें, अपने आप को एक चॉकलेट जो है वो गिफ्ट करें। अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो आप अपने आप को आइसक्रीम गिफ्ट करें, या अगर आपको कहीं बाहर पे जो है कहीं पे अपने लिए लंच जो है वो अपने आप को जो है वो ऑफर करें, यानी अपने आप को अप्रिशिएट करें। कोई बाहर से आकर आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, अपने आप को अप्रिशिएट करें। आपने छोटा काम किया, गोल अचीव किया, अपने आप को अप्रिशिएट किया, एंड देन यू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल। सो द थिंग इज़ के कंसिस्टेंट रहने के लिए वो काम जिंदगी खुलासा किया है, खुलासा ये है कि वो काम जिसमें चस्के ज़्यादा होते हैं, जिसमें मज़े होते हैं, वो काम हम इजीली कर पाते हैं, वो हम घंटों तक जो है वो कर जाते हैं, वो हम महीनों तक सालों तक करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो काम जो एक्चुअली जिनसे हमारा मुस्तकबिल बनता है, जिनसे हमें जो हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आती है, जिनसे हमारी पर्सनैलिटी डिवेलप होती है, वो काम करने में हम दो तीन फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज है, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और इस तरह अच्छे हैबिट्स को डिवेलप करना है, तो वो काम हमसे दो तीन दिन के बाद हमसे नहीं हो पाते। द थिंग इज़ कि हमने वो अपनी हैबिट नहीं बनाई होती। और ये एक हकीकत है कि बुरे आदतें जो है वो आसानी से आती हैं और बहुत मुश्किल से जाती हैं, और अच्छी आदतें जो है वो मुश्किल से आती हैं लेकिन फिर बहुत ही आसानी से चली जाती हैं। सो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क एस ऑफ, उसके बाद ही जो है आपको कुछ मिलेगा। याद रखें कि परसिस्टेंसी के लिए एक और काम आप करें, कि परसिस्टेंस रहने के लिए कोई भी काम, किसी भी काम में मुस्तकिल मिजाज रहने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू लर्न कि अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है। ये था आपके लिए। जो सुन रहे हैं, अगर आपको भी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन इनबॉक्स मी, इंशाल्लाह उसको मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और बाकी भी आई होप कि बहुत सारे लोग जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे। सी यू।